खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले दे विच पुलिस दे वल्लों वड्डा एक्शन लिया गया। दस दिए कि डीएसपी गुरशेर संधू समेत सत पुलिस कर्मचारियों नूं सस्पेंड कर दिता गया। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं, खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो इंटरव्यू होया सी इक निजी चैनल ते उसनूं लैके हुण पुलिस दे वल्लों वड्डा एक्शन लिया गया, जिस दे विच डीएसपी गुरशेर संधू समेत सत पुलिस कर्मचारियों नूं सस्पेंड कर दिता गया। सस्पेंड होने वाले सारे ही पुलिस अधिकारी दसे जा रहे हैं। तो जांच दे विच दोषी पाए जाने तो बाद ये वड्डा एक्शन लिया गया, तुरंत प्रभावों के नाल सस्पेंड किया गया। 3 अप्रैल 2022 नूं लॉरेंस की इंटरव्यू होंदी है। खरड़ CIA स्टाफ दे विच कस्टडी दौरान यह इंटरव्यू होया सी। तां दस दईए कि जिहड़े भी मुलाजम सस्पेंड किए गए ने उस दे विच सब तो पहला नाम DSP गुरशेर संधू का दसया जा रहा है, इस तो बाद समर वनीत का नाम दसया जा रहा है, तो इस तो बाद सब इंस्पैक्टर रीना, सब इंस्पैक्टर जगतपाल जांगू और सब इंस्पैक्टर शगनजीत सिंह का नाम मुख्य तौर के उत्ते दसया जा रहा है। तो इस दे नाल ही ASI मुख्तियार सिंह हैड कॉन्सटेबल ओम प्रकाश का भी नाम इस दे विच शामिल दसया जा रहा है। तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं, लॉरेंस इंटरव्यू मामले दे विच इह वड्डा एक्शन देखने को मिले। DSP गुरशेर संधू समेत सत पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। सस्पेंड होने वाले सारे ही पुलिस अधिकारी ने, दरअसल थोड़ा पूरा मामला दस दिए कि एक निजी चैनल के पत्रकार के वलों लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू किया गया सी। जिवें ही यह इंटरव्यू चलिया तो लोगों के वलों भी तरह तरह के इस लैके सवाल खड़े किए गए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उस समय जेल के इस लैके सब तो व्डे सवाल खड़े किए गए थे सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह के वलों। तो इस लैके लगातार सिट बनाई जाती है। सिट के दसया जा रहा है कि इन्हों दोषी पाया गया, तो हूँ इन्हों के खिलाफ वड्डी कार्रवाई की गई है। तो दस दिए कि जो इंटरव्यू होया खरड़ CIA स्टाफ की कस्टडी के दौरान होया। 3 अप्रैल 2022 का दिन दसया जा रहा है। तो गुरशेर सिंह संधू के उत्ते DSP से इल्ज़ाम लगे ने कि सारे ही इंटरव्यू का प्रबंध इन्हों के वलों किया गया। इतों तक कहा जा रहा है कि जो फोन का प्रबंध किया गया सी वह भी DSP गुरशेर सिंह संधू के वलों किया गया सी। तो इन्हों लैके हुण वड्डा एक्शन लिया गया, सत पुलिस कर्मचारी सस्पेंड कर दिते गए हैं।